इनकम टैक्स डिडक्शन में हम हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन मांग सकते हैं हाउस रेंट जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ये किसी भी रेजिडेंशियल हाउस का रेंट पे करने के लिए दिया जाता है अब कितनी अमाउंट की डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं ये तीन लिमिट्स हैं इन तीनों लिमिट्स में से सबसे जो लीस्ट अमाउंट होगी जो सबसे कम अमाउंट होगी वो हम ले सकते हैं एज अ डिडक्शन ये लिमिट है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड फिफ्टी परसेंट ऑफ बेसिक पे प्लस डी ए करना है हमने फिफ्टी परसेंट तब लगेगा अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं नॉन मेट्रो में फोर्टी परसेंट अमाउंट आएगी और थर्ड है जितना एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी ए हमने डिडक्ट कर देना है इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगी दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन